साउथ की 5 ऐसी हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज जो आपको बहुत पसंद आएंगी। वेल, अगर आपको हॉरर और मिस्ट्री वाली मूवीज पसंद है तो ये लिस्ट आपके ही लिए बनी है। तो इन मूवीज को IMDB की रेटिंग के हिसाब से सेट नहीं किया गया है, बस लिस्ट को एंजॉय के हिसाब से बनाया गया है, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नंबर 5 पर आती है रोमांटिक हॉरर थ्रिलर मूवी बेस्टी, जो कि तमिल लैंग्वेज की मूवी है, जिसको हिंदी में भी इसी नाम से डब किया गया है। अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो एक कपल समुद्र के किनारे बने एक घर में जाने की प्लानिंग करते हैं। वेल, जब वो उस घर में जाते हैं तो उस घर में कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं, ऐसी रहस्यमय घटनाएं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वेल, उसके बाद उस कपल के साथ क्या होता है और उस घर की हिस्ट्री क्या होती है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगी। अगर आपको हॉरर मूवी पसंद है जिसमें रोमांटिक तड़का हो तो ये मूवी आपके ही लिए बनी है, तो इसको कम से कम एक बार जरूर देखना, जो कि हिंदी में YouTube पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन वहां क्लिक करने से पहले पूरी लिस्ट देख लो। नंबर 4 पर आती है 2017 में आई हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री सस्पेंस से भरी हुई मूवी बनेम, तो ये मूवी भी हिंदी में सेम नाम से अवेलेबल है। तो अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो चेन्नई में एक जगह होती है जहां रूमर फैला होता है कि वहां रात के 1 बजे एक लड़की लिफ्ट मांगती है और उसको जो भी लिफ्ट ऑफर करता है उसके बाद अगले दिन उसकी बॉडी मिलती है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद इसी घटना का शिकार एक मंत्री का बेटा हो जाता है और उसके बाद पुलिस क्या खूब एक्शन लेती है। वेल, ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ जब भी किसी नेता के यहाँ चोरी होती है या उनके बच्चों के साथ कुछ भी होता है तो पुलिस कितना तेज एक्शन लेती है। तो क्या इन मर्डर्स के पीछे कोई आत्मा है या फिर कोई जिंदा इंसान है जो कि इन आत्मा का रूमर फैलाकर लोगों में खौफ बिठा रहा है और अपना फायदा उठा रहा है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगी। अगर आप हॉरर मूवी के फैन हो तो ये मूवी भी आपको बहुत पसंद आने वाली है और कुछ सीन तो ऐसे भी है जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये मूवी भी हिंदी में YouTube पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि पूरी लिस्ट चेक कर लो उसके बाद देखना। नंबर 3 कलागा थलाईवन, तो इस मूवी में भी मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर और हॉरर सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो अगर फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो एक कॉर्पोरेट कंपनी होती है जिसका कि एक काला रहस्य सब लोगों के सामने आ जाता है, जिस रहस्य को एक आदमी खोलता है। अब उस आदमी की क्या कहानी है, मतलब वो उस कंपनी के पीछे क्यों पड़ा होता है, उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगी और मूवी सस्पेंस से भरी हुई है। अगर आपको सस्पेंस मूवी पसंद है तो ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है, जो कि हिंदी में अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नंबर 2 पर आती है 2019 में रिलीज हुई हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी रहस्यम, ये तेलुगु मूवी है जिसको हिंदी में एक अनोखा रहस्य नाम से डब किया गया है और ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो कहानी एक न्यू कमर डायरेक्टर की, जिसको कि एक हॉरर मूवी बनाने का मौका मिलता है, जिसको लेके वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपनी कहानी को रियल बनाने के लिए भूतों के बारे में और जानने की कोशिश करता है, मतलब वो रियल आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है और इसी बीच उसके पीछे एक बुरी आत्मा लग जाती है। तो फिर उस डायरेक्टर के साथ क्या होता है और उस बुरी आत्मा की कहानी क्या होती है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगी। अगर आपको हॉरर मूवीज पसंद है तो ये मूवीज भी बिल्कुल आपके लिए बनी है, बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो ये मूवी मेरी भी फेवरेट है, जो कि हिंदी में YouTube पर अवेलेबल है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट की फाइनल मूवी की, मतलब नंबर 1 की मूवी की, जिसको बहुत लोगों ने वेट किया होगा और मुझे तो ये लगता है कि कुछ लोग वीडियो स्किप करके नंबर 1 की मूवी देखने आए होंगे। तो फाइनली नंबर 1 पर आती है रिसेंटली रिलीज हुई, मतलब 2023 में रिलीज हुई वेब सीरीज आखिरी सच, जो कि मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस सबसे भरी हुई है। तो अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो एक परिवार के 11 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उसके बाद प्रशासन एक्शन में आ जाता है और एक पुलिस इंस्पेक्टर को जांच पड़ताल करने के लिए भेजता है। अब कहानी में आगे ट्विस्ट ये होता है कि उस परिवार ने आत्महत्या क्यों की होती है, मतलब 11 लोगों ने क्या अपनी मर्जी से आत्महत्या की होती है या उनके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, मतलब कोई ना कोई उन्हें मजबूर करता है आत्महत्या करने के लिए या उनकी जान किसी और ने ली होती है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस मूवी में, जिसमें कुछ कुछ देर बाद आपको बहुत सारे सस्पेंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको सस्पेंस मूवी पसंद है तो वेल, ये वेब सीरीज आपकी फेवरेट लिस्ट में जुड़ जाएगी। तो अगर इस वेब सीरीज की बात करें तो ये हॉटस्टार पर अवेलेबल है, लेकिन टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास हॉटस्टार नहीं है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ऐसी ही मूवीज की जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।